कारी एसडीएम और तहसीलदार करीब करीब 90% लोग आए हुए थे अधिकारी वर्ग से, और उनको इस समीक्षा बैठक में हमने जन सूचनाओं की स्थिति, यहाँ लंबित मामलों के बारे में जानकारी ली, और हमारे पास जो हमारे सूचना आयोग में जो जानकारी उपलब्ध है, राजस्व विभाग के यहाँ 54 मामले, ग्राम्य विकास विभाग के 124 और पुलिस विभाग के 25 मामले द्वितीय अपील में। द्वितीय अपील का मतलब यह है कि प्राथमिक स्तर पर जन सूचना अधिकारी ने सूचना नहीं दी, प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सुना नहीं या अनसुना कर दिया। द्वितीय अपील धारा 19(3) में हमारे यहाँ आयोग में आती है तब हमारी भूमिका शुरू होती है। ऐसे मामले लंबित थे, इन सब की हमने समीक्षा की, उनके निस्तारण के बारे में जानना, और मुख्य रूप से हमने इनको बताया कि किस तरह से जन सूचना से संबंधित मामलों को प्राथमिक स्तर पर निपटाएं। अगर जन सूचनाओं का प्राथमिक स्तर पर जन सूचना अधिकारी निस्तारित कर देता है तो सूचना आयोग में लंबित मामलों की संख्या कम होती है। एक प्रकार से यह एक प्रशिक्षण वर्ग मान लीजिए, जिसमें सूचना अधिकारी के अधिकारियों को सूचना कानून के व्यापक और सूचना अधिकार कानून को व्यापक स्तर पर हमने बताया और सबने बहुत ध्यान से सुना और हमको आश्वस्त किया कि उनकी सक्रियता इस मामले में बढ़ेगी और निस्तारण में गति आएगी। मैं उनके इस आश्वासन से करीब करीब संतुष्ट हूँ, आगे देखेंगे क्या होता है। सर, जन सूचना का काम अब कुछ शोषण के रूप में किया जाने लगा है, उस पर आप लोग किस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए, जन सूचना कानून RTI एक्ट 2005 में जब बना था, इसका उद्देश्य यह था कि शासन प्रशासन या लोक प्राधिकार, जो हमारे टैक्स पेयर्स के टैक्स से जो है वित्त पोषित होते हैं और उनकी नौकरी चलती है, ऐसे लोगों को जवाबदेह बनाना था ताकि कार्यपालिका के कामकाज में या लोक प्राधिकार पब्लिक अथॉरिटी के कामकाज में पारदर्शिता आए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। नो डाउट, जब से सूचना अधिकार कानून बना है, निश्चित तौर में इस पर प्रगति हुई है। जन सूचना के स्तर पर सक्रियता भले कम देखी गई, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ।